आज मुमताज रेसिपी में मुमताज के किचन में खोपरे की चटनी बनाना बता रही हूँ। है तो गीला खोपरा, मगर इससे मैं सूखी चटनी आपको बनाना बता रही हूँ। ये आधी वाटी नारियल है, इसको मैंने इस तरीके से पतला स्लाइस की हूँ। तीन से ये पांच हरी मिर्ची, आपको कम चाहिए आप कम डाल सकते हैं, या फीकी वाली भी हरी मिर्ची आप डाल सकते हैं। एक चम्मच जीरा है, नमक हसबे जायका है और थोड़ी सी कोथमीर है। बस ये इतनी चीज़ों से ही आपकी सूखी चटनी बन जाएगी। सबसे पहले आपने गीले खोपरे को इस तरीके से जार में डाल दें। तमाम चीज़ों को हमको डालकर थोड़ा थोड़ा घुमा के पीसना है। पहले मैं थोड़ा सा खोपरे को मिक्सर में घुमा लेती हूँ। ये इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको घुमा लिए। अब इसमें जो जीरा और नमक है आपने वो डाल देना है, और ये हरी मिर्ची। चटनी थोड़ी सी तीखी होती है तो ही अच्छी लगती है, आगे आपकी मर्जी। फिर एक बार इसको घुमा लेते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा और ये बारीक हो गया है, अभी इसमें कोथमीर डालकर घुमा लेते हैं। ये गीले खोपरे की सूखी चटनी तैयार है। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है, नमक और मिर्ची आपके जायके के मुताबिक रहेगा। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी चटनी बनाई हुई चटनी कैसी लगी। आप इसे बनाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।